गाइस जदाब नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू योर चैनल द बिट्टू व्लॉग्स। तो स्वागत है गाइस नए दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ। और आज है संडे और दोपहर के बज चुके हैं इस समय 2:47 यानी ऑलमोस्ट पूरा 3 बज गया है। और भाई अभी आज मैं जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम अपना जा रहा हूँ मैं अपना मूर्थल खाना खाने। दोपहर में लंच का अपना प्रोग्राम बनाया तो अभी जा रहा हूँ मैं, ट्राई करूंगा आज की भाई कैसा आता है। मूर्थल करते हैं लोग तो आज मैं भी खा के देखता हूँ खाना के कैसा रहता है मूर्थल का। तो आज हम जा रहे हैं ट्राई करने मूर्थल का खाना। तो अभी निकल चुके हैं दोपहर में, इस समय केजरीवाल जी भी आ गए हैं बाहर, देख रहे हो केजरीवाल जी भी जेल से बाहर आ गए हैं, ये देख रहे हो। और भाई ये देखो अपने राइट साइड में दिल्ली का पहाड़ दिख रहा है, चेक करो देख रहे हो कैसा कितना बड़ा पहाड़ है भाई, कूड़ा कितना फेंकते हम लोग, देखो यहाँ पे आके सारा जमा हो जाता है, देखो देखना देख रहे हो भाई साहब इतना ज़्यादा कूड़ा है ना, मतलब पहाड़ इतना बड़ा बन चुका है कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर तक भरा पड़ा है, पूरी दिल्ली का कूड़ा यहीं गिरता है आके भाई। तो यही भाई रिंग रोड पे हम निकल रहे हैं अभी और यहाँ से 1 घंटा लगेगा ऑलमोस्ट पहुँचने के लिए। तो चल रहे हैं और फिर आज ट्राई करेंगे मूर्थल का खाना, देखते हैं भाई कैसा होता है। ठंड सी लग रही है तो मौसम है ना चेंज हो चुका है भाई दिल्ली के अंदर अभी। और इस समय मैं हूँ देख रहे हो टीकरी बॉर्डर के पास और यहाँ से लगेगा मतलब आधा घंटा और लगेगा पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से मेरे घर से मूर्थल पड़ता है तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास। तो 50 किलोमीटर तय करने में हमें 1.5 घंटा लगेगा पूरा ट्रैवलिंग करने में, क्योंकि आज संडे है तो संडे की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं रहता, क्योंकि ये भी रोड दिल्ली में ही आता है बस हाईवे में है इस वजह से, नहीं तो यहाँ पे भी वाइट ट्रैफिक पूरा रहता है दोनों तरफ से ट्रैफिक पूरा रहता है। बस अभी क्या है कि आज संडे तो ट्रैफिक कम है इसीलिए तो अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ से पूरा हाईवे पूरा खुल गया है भाई, ये पहले क्या होता था बीच बीच में यहाँ पे बैरिकेडिंग वो रहती थी क्योंकि इसमें ना अलग कर दिया यहाँ से, आप देखोगे ना अगर तो देखो ये जो फेंसिंग कर दी ना तो हाईवे बना दिया पूरा, इसको वाला हिस्सा अलग कर दिया है नॉर्मल ट्रैफिक के लिए और जो मेन हाईवे वाला है ये वाला अलग कर दिया है। तो गाइस दोबारा से आ गए पेट्रोल पंप पे क्योंकि गाड़ी निकालने के बाद में भाई सबसे पहले काम होता है कि डीजल भरवा लो, डीजल कोई खाली रहता है आधी ज्यादा टंकी खाली थी इसलिए सबसे पहले डीजल फुल करवा लेते हैं इसका और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भाई देखो आपको पता है जब डीजल फुल रहेगा गाड़ी में तो चलाने में मजा आएगा। तो 17.5 लीटर ही देखो जूम करके देखो आपको मैं तो 17.5 लीटर के आसपास डीजल आ गया। वैसे जो ना वैसे जो उसकी टंकी ना भाई वो है तकरीबन 55 लीटर के आसपास टंकी है, तो अभी जब नहीं निकलते तो भाई फुल करवा लेना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना डीजल फुल रहता है ना गाड़ी में तो चलाने में मजा ही अलग आता है, क्योंकि जब तक गाड़ी का पेट नहीं भरेगा तब तक हमारा पेट कैसे भरेगा। और भाई लाडो का पेट भरना बहुत जरूरी है इसलिए। तो अभी यहाँ पे इंडियन ऑयल से डलवाने में एक फायदा होता है यार, इंडियन ऑयल का ना कहना देखो उसके बगल में HP भी है या ना लगातार से, ये HP वाला है इसके बगल में, फिर उसके आगे हिंदुस्तान वाला भी है और ये जो अपना है ये है इंडियन ऑयल का, देख रहे हो इसका क्या है ना इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है ना सॉरी इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल है ना या डीजल है जो भी है दोनों में से कुछ भी डलवाओ उसकी ना परफॉर्मेंस अच्छी रहती है गाड़ी की, क्योंकि काफी ज्यादा रिफाइन होता है यार इनका जो डीजल और पेट्रोल होता है, इसलिए मैं तो प्रेफर करता हूँ भाई इंडियन ऑयल से ही डलवाओ आप, इंडियन ऑयल में मस्त रहता है कोई पेड़ वगैरह नहीं है भाई वीडियो, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कस्टमर रिव्यू। डीजल या पेट्रोल अगर आप तो इमरजेंसी में तो किसी भी डलवा लो लेकिन हो सके तो प्रेफरेंस रखो कि भाई इंडियन ऑयल से ही डलवाओ। लेकिन भाई देख रहे हो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो सामने रोड पूरा जो ये फ्लाईओवर के ऊपर आता बंद कर रखा है ना ये सारा वही है भाई जो किसान आंदोलन चल रहा था ना अभी तक, इसके बैरिकेड्स वगैरह सब यहीं पे पड़े हुए हैं देख रहे हो। और भाई पंजाब रोड पे लगा ठुकी है कैसे खड़ी है तो कुछ काम हो रहा है नहीं भाई खराब हो गया ऐसी खड़ी हुई, और ये सारे बैरिकेडिंग अभी तक ऐसी पड़ी हुई है देख रहे हो सारे आगे भी भाई, ये देखो भाई ये सारे कंटेनर देख रहे हो अभी तक यहीं पड़े हुए हैं ये सारे किसान आंदोलन के, देखो भाई साहब ये पूरा फ्लाईओवर के ऊपर बंद कराता तो ना यहाँ यहीं पर ही रखे सारे यहीं पर ही पड़े हुए हैं भाई पूरा देख रहे हो सारा पूरा अभी तक यहीं पर ही पड़ा हुआ उसका सारा सिस्टम। सो गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा आप लोगों का सबका फेमस जो भाई मूर्थल का सबसे ज्यादा फेमस है वो है अपना आमरिक सुखदेव का खाना, तो भाई सुखदेव का खाना खाने जा रहे हैं हम। और सुखदेव का नाम लेते ही सबसे पहले तो मेरे को मिल गया ट्रैफिक जैम देख रहे हो, अभी मैंने सोचा ही था कि मैं सुखदेव पे खाना खाऊंगा और भाई यहाँ फ्लाईओवर पे लग रहा है जाम देख रहे हो गाइस और इधर जाम लगा हुआ है, तो सुखदेव का ही खाना टेस्ट करेंगे कि कैसा है। लोग कहते हैं ना भाई आमरिक सुखदेव तो ट्राई उसी का खाना करने वाला हूँ मैं कि भाई कैसा, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा अपने लंच में और फिर देखते हैं भाई कैसा रहता है उसका टेस्ट, उसका पूरा जेन्युइन चीज बताऊंगा रिव्यू कि भाई मेरा कैसा रहेगा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि हर लोगों को भाई हर तरीके का खाना पसंद होता है, मेरे को कैसा रहेगा वो बताऊंगा मैं अपने उससे समझाऊंगा आपको कि कैसा रहेगा। भाई पहुंच गए हैं आमरिक सुखदेव और यही तो है
पार्किंग आगे लगानी पड़ेगी। भाई देख रहे हो कितना तगड़ा बिजनेस है यहाँ, अभी होटल यहाँ है और पार्किंग बंदे ने आगे भी खरीद रखी है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो ये होती है पॉपुलैरिटी, देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है और होटल वहाँ है और पार्किंग यहाँ पे है। बस अब ये देखते हैं भाई इसका खाना कैसा है, खाना एक बार टेस्ट कर लूँगा ना मैं, खाने पर टेस्ट कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा कि भाई ये वर्थ है या नहीं है, मैं अपना रिव्यू दूंगा अपना ओपिनियन, ठीक है ना गाइस। चलते हैं अभी गाइस, देखो ये ना एक आर्मी का ट्रक है और आर्मी ट्रक है यहाँ पे, देखो बंदूक की नली ये रही। भाई भीड़ तो आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग है अमरीक सुखदेव की, भीड़ आप देख चुके हो आप, भीड़ देखो भाई यहाँ पे देख रहे हो भीड़ ऐसी, और अंदर भी देखो। और अभी देखते हैं भाई फूड कैसा होगा इसका, वो ट्राई करते हैं चक्कर में। भाई इतनी भीड़ है ना यहाँ पर इस समय, बंदे ने ऐसे खड़े हुए अपने टेबल के इंतजार के लिए ना, देख रहे हो अपने अपनी बारी के लिए ऐसे खड़े हुए हैं टेबल के लिए कि भाई मिलेगी मिलेगी, हम भी ऐसे बैठे हुए हैं ये देखो। और भीड़ देख रहे हो चारों तरफ, चारों तरफ लोग ऐसे खड़े हुए हैं कि भाई टेबल मिल जाए तो बैठ जाए, इतनी भीड़ भाई पूछो मत। भाई अभी हमने ऑर्डर तो दिया नहीं लेकिन बंदे बता नहीं इसको चेंज करेंगे, ये चेंज होगा ये जो होता। तो ये सबके लिए एक जैसा ही है, होता है। भाई बताओ सब बंदे इसी में से खा रहे हैं और ये पता नहीं ये वाली चीज़ें चेंज होंगी नहीं होगी, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छा हो जाएगा। और भाई देख रहे हो अचार ये भी यूज किया हुआ है, ये देखो बंदे एक ही से यूज कर रहे हैं, सबसे पहला जो मेरे को मिली ना चीज़ें ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी कि भाई एक ही चीज़ है वो सबके लिए दे रखी है, सब यूज करो इसी में से, जो कितने बंदे खाना खाने आओ सबके लिए एक ही है। बताओ क्या है, अरे ऑर्डर तो ले लो, अरे आप ऑर्डर ले लो ना पहले, ले रहा था लड़का इसे भगा दिया आपने, एक चक्की लेकर अरे महाराज हमारा तो ऑर्डर ले लो भाई। अंकल ये मिक्स पराठा और एक पनीर प्याज पराठा और दो चाय गुड़ वाली। अच्छा एक चीज़ अचार चेंज कर दो, एक चीज़ और बताओ, ये जो अचार और ये रखा हुआ है सब कुछ, ये क्या सबके लिए ही होता है? एक पनीर प्याज पराठा मिक्स पराठा, ये चार चाय चेंज होगा सर, करवा दो करा दो, ले जाके वापस दूसरे में डाल के ले आते हो क्या? दिखाओ आपको आ गया, करा दो ये सामने करता है सब चीज़, इसको डस्टबिन में डाल देते हो? अच्छा होगा ठीक होगा, अच्छा ये करवा दो सही है। तो भाई जब आप बोलोगे ना तो तभी चेंज होगा, वैसे तो बंदे करते नहीं, अगर जिसका चल गया चल गया, अगर बोल दिया तो पॉसिबिलिटी, हमने बोला तो देखो भाई होता ही नहीं होता, ये तो ही पता चलेगा थोड़ी देर में। तो भाई हमने बोला था तो भाई ने चेंज कर दिया, देखो ले आया नए, दोनों टेबल के हो गए हमारे कहने पे चेंज, इस टेबल का भी हो जाएगा और हमारे वाले का भी हो जाएगा। तो सही है भाई, थोड़ा हाइजीन तो रखना चाहिए ना भाई, इसलिए कहोगे तो हो जाएगा, नहीं कहोगे तो चलता रहेगा। तो भाई ले तो आया ये रही, अपने पिकल्स वगैरह चेंज कर दिए इस भाई ने इस वजह से। तो भाई मैंने मंगाया है कि मिक्स पराठा और एक पनीर वाला, तो आने में तो लगे हैं कम से कम 20-22 मिनट तो लगे हैं खाना आने में, पराठे आने में, तो देखते हैं भाई जितना इंतज़ार किया है उतना वर्थ है भी या नहीं है, क्योंकि बटर देखना, बटर देख रहे हो कितना है ये देखो भाई साहब, तो इसको साइड में कर देता हूँ और अभी ट्राई करते हैं, टेस्ट करके दिखाता हूँ कि कैसा है, ठीक है। भाई आप किसी चीज़ को ना किसी चीज़ का वेट करो 15-20 मिनट और उसके बाद आपको ना ऐसा पराठा मिले, भाई इतना वेट करने के बाद ऐसा पराठा खाना तो पता नहीं कैसा होगा भाई, मैं तो कह रहा हूँ मेरी तरफ से तो जीरो, इससे अच्छा कहीं बाहर खाना खा लो भाई, इतना वेट करने के बाद ना ऐसा पराठा मिले, वो भी सादा, इसके साथ ना चटनी दी बंदे ने ना कुछ दिया है, सिर्फ पराठा दे दिया और ये यूज वाले अचार दे दिए, भाई खाना है खाओ, मतलब बंदा खाना है खाओ नहीं खाना मत खाओ कोई मतलब नहीं भाई, एक बहुत बेकार है भाई। तो भाई हमने मंगाई है चाय और चाय में ऊपर रख के दिया है हमें इसने दो गुलाब के फूल है, कौन से हैं पता नहीं दिया, तो भाई इसने हमें रख के दिए दो गुलाब के फूल और गुलाब किसका फूल है ये, भाई चाय में देखा टेस्ट लेना पड़ेगा, पराठा तो जीरो था ठीक है, अब बारी इसकी चाय की, भाई मेरा ये मानना है अगर चाय में गुलाब की पत्ती की जगह एक इलायची डाल देता ना बंदा
तो चाय का स्वाद हो जाता भाई बहुत अच्छा। और इस मामले में ना क्या बोलूँ मैं यार, भाई यहाँ की भीड़ देख लो, कितनी भीड़ है देख रहे हो, चारों तरफ इतनी भीड़ ही भीड़ है पूरी चारों तरफ से, अंदर से और अंदर तो अंदर बाहर भी इतनी भीड़ है भाई, देखो देख रहे हो, मतलब इतनी भीड़ और खाने के नाम पे जीरो। मैं आपको सिर्फ बताऊँ तो खाने के नाम पे तो भाई बिल्कुल एकदम जीरो है, कुछ भी नहीं है, और भीड़ इतनी लगी हुई है ना भाई बंदे के आगे, मतलब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरा हुआ है। संडे है वैसे, लोग वैसे पिकनिक वगैरह बनाने आ जाते हैं, लेकिन खाने के नाम पे ना जीरो टेस्ट, मतलब कुछ है ही नहीं भाई ऐसे, मतलब कुछ भी मंगा लो। मैंने मंगाया था तो आपको पता ही है, लेकिन टेस्ट में एक नंबर, एक मतलब कहते हैं ना जिसको बंदा एक रेटिंग भी कर दे, वैसा भी नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ, मैंने पहली बार मतलब इतना मतलब दिल से मैं सोचा कि चलो चलते हैं सुखदेव का खाना खाएंगे, सब चीज़ ट्राई करी, ट्राई किया मतलब जिसके लिए फेमस है बंदा, मतलब पराठे वराठे के लिए फेमस है, मैंने भाई वो ट्राई करते हैं पराठा, रहता है भाई इससे अच्छा है कि आप दिल्ली में जाके ना उससे आधे रेट में मूलचंद के पराठे खा लो, बट ये कि अपना पिकनिक के लिए आ सकते हो, वैसे तो बहुत बेकार है। और एक चीज़ और है, जब मैंने उसे बोला भाई अचार और जो एक्स्ट्रा चीज़ें रखी रहती है पहले, मैंने भाई इसे चेंज कर दो, तो बंदा पता क्या कह रहा है, क्या उसने बोला, बोल रहा है कि भाई हमें ना देखते हैं कि बंदा कैसा खाना खा रहा है, मतलब कि जैसा मान लो कोई नशेड़ी वशेड़ी खाना खा रहा है, वेटर बोल रहा है अपने मुँह से, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी हुआ भूल गया मैं, तो कह रहा है कि मेरे को कि भाई अगर कोई नशेड़ी वगैरह बंदा खाना खा रहा है दारू पी रहा है तो उसका तो हम अपने आप चेंज कर देते हैं, बाकी हम देखते हैं कि बंदा किस तरीके से खाना खा रहा है, मतलब बंदा तरीके देखने के बाद बंदे चेंज करते हैं भाई, ये हाल है सुखदेव पे। वो यार भाई भीड़ है तो कोई पूछने वाला नहीं है, और देख रहे हो भीड़ ना हो तो भाई सब चीज़ कर लेगा बंदा, तो ये है भाई दो है, एक पार्किंग यहाँ है बंदे की और एक पार्किंग भाई, मतलब इतना बड़ा है ना भाई ये कि पूछो मत। अब चल अब पारी है भाई घर जाने की, तो घर चल रहे हैं और शाम के बज चुके हैं इस समय 5, और अपनी मतलब रहा तो ठीक नहीं, मतलब ऐसे ही था, मतलब आप आओगे खाना वाना खाने तो भाई खुद ही देख लेना, मेरी तरफ से तो भाई बिल्कुल ना ही है एकदम बकवास से अपने। तो भाई तुम्हारा भाई ना ऐसी कंडीशन में तुम्हारे लिए एक रिव्यू देने आया था, तो अभी तो सबसे पहले भाई मुझे ये पीना है, तबीयत ख़राब हो रही भाई तो अभी दवाई भी लेनी है, तो पहले दवाई ले लेता हूँ मैं, दवाई लेने के बाद अपना भाई फिर आगे चलेंगे, तो पहले दवाई पी लेता हूँ गाइस, तबीयत थोड़ी ठीक। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग आप लोगों के लिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्रेस द बेल आइकन, और जिसको अपना खाने का टेस्ट ख़राब करना हो वो हमें सुखदेव आ सकता है, बाकी भाई मैं तो बिल्कुल मना करूँगा ही, बताओ मैं तो आया था, मैंने तो चेक कर लिया, मैंने आपको बता दिया खाने में जीरो है, एक रेटिंग भी नहीं है भाई, इतना बकवास खाना, और भीड़ इतनी है दुनिया भर की भीड़ है पूछो मत, इतनी भीड़ है कि भाई भीड़ में आप आओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा क्या बेच रहा होगा क्या खाना दे रहा होगा, लेकिन खाने के नाम पर जब आप खाओगे तो बोलेगा भैया इससे अच्छा तो मैं घर पर दाल चावल खा लूँ, मतलब ट्रिप कर सकते हो घूमने फिरने के लिए आना चाहो पिकनिक के लिए वो ठीक है, लेकिन भाई खाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरे व्लॉग था मेरा आज का, देख रहा हूँ इस कंडीशन में आया दवाई खा रहा हूँ, लेकिन फिर आपके मन कर गया जाने के लिए कि लोग कहते हैं भाई सुखदेव का खाना खाओ सुखदेव खाओ सुखदेव का खाना खाओ, तो ट्राई कर लिया लेकिन भाई आज के बाद कभी ट्राई नहीं करूँगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट प्रेस द बेल आइकन, और कमेंट कर देना किस किस को मेरे जैसा एक्सपीरियंस हुआ है सुखदेव आके। ओके गाइज़।